कश्मीर में जब से धारा 370 हटाई गई है, आतंकियों के हौसले पस्त हैं। घाटी में अमन का माहौल बन रहा है और इसलिए डरे हुए आतंकी कश्मीर की आवाम को डराने की साजिशें रचते हैं। कश्मीर में आज आतंकियों ने एक शिक्षक रजनी बाला की गोली मार दी। पिछले कुछ दिनों में यह दूसरी बार है जब दहशतगर्दों ने कश्मीर की बेटी को निशाना बनाया है। इन दहशतगर्दों को कश्मीर की बेटियों की आजादी, उनकी आतंक विरोधी आवाज पसंद नहीं। कश्मीर की बेटियों की बुलंद आवाज से डरे आतंकी अब उन्हें निशाना बना रहे हैं। कश्मीर के नाराज लोगों का ये पैगाम दहशतगर्दों के नाम। ये संदेश उन दहशतगर्दों के नाम है जो अब कश्मीर की बेटियों को निशाना बना रहे हैं। कुलगाम में स्कूल टीचर रजनी बाला की हत्या के बाद नाराज लोग सड़क पर उतर आए। दिल में आतंकियों के लिए नफरत लिए इन लोगों की जुबा पर एक ही सवाल था, आखिर दहशतगर्दों को बेटियों से इतना डर क्यों लगता है? आखिर क्यों दहशतगर्द अब कश्मीर की बेटियों को निशाना बना रहे हैं? चाहे मुस्लिम बेटी है, हिंदू बेटी है, क्यों टारगेट किया जा रहा है? एक और अभी मारी गई है रजनी वाला जी, वो तो स्कूल गई थी। क्यों स्कूल बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते हैं? हम यहाँ जाते हैं पढ़ाने के लिए जाते हैं कि मरने के लिए जाते हैं? अब हमारा कुछ नहीं हो सकता है, हमारी बस एक ही गुहार थी कि हमें यहाँ से सेफली रिलोकेट किया जाए, लेकिन हमें लगता है शायद वो एक एक बलि का बकरा चढ़ाए जा रहे हैं। हम लास्ट में जब चुने गुले बने कहेंगे जी चार बंदों को हम रिलोकेट कर लेते हैं। चंद दिन पहले ही आतंकियों ने बडगाम में टीवी आर्टिस्ट अमरीन भट्ट को निशाना बनाया था। आतंकियों ने दिन दहाड़े अमरीन को गोली मार दी थी। इस बार आतंकियों के निशाने पर रजनी बाला थी। कश्मीर में दहशतगर्दी के डर को नकार कर रजनी बाला बच्चों को पढ़ा रही है। रजनी मासूमों को अच्छे और बुरे का फर्क बता रही थी। कश्मीर में दहशतगर्दी के डर को नकार कर रजनी बाला बच्चों को पढ़ा रही है। रजनी मासूमों को अच्छे और बुरे का फर्क बता रही थी। शायद यही बात दहशत का कारोबार करने वालों को नागवार गुजरी। आखिरी बार क्या बात हुई उनसे? रजनी से तो ऐसे सुखसानी बात होती थी, बात कुछ भी नहीं। ऐसे मैंने आना कब कर, तो कहते हैं अगले महीने जुलाई महीने छुट्टियाँ पड़ी हैं, फिर आएंगे। कोई थ्रेट कोई कुछ है ऐसा? ऐसी वैसी कोई बात नहीं थी, कोई खतरा। मैंने कई बार बोलता था यार बचाव रखना अपना, आप बाहर अंदर जाना। वो कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं रेडी, हमसे तो कोई ऐसी बात नहीं है किसी से भी, क्या पता होता है। कश्मीर में डर का माहौल बनाने के लिए दहशतगर्द लगातार टारगेट किलिंग कर रहे हैं। इससे पहले 12 जुलाई को आतंकियों ने राहुल भट्ट को गोली मार दी थी। इस कायराना हरकत के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या कश्मीर के आतंकी कश्मीर में अमन चैन से डरते हैं? क्या आतंकियों को कश्मीर की मजबूत बेटियों से डर लगता है? अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।